चलिए बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. मेरे पास है द ओनर ऑफ द टैक्सी कंपनी डिसाइडेड टू रन बेटा द ऑल द टैक्सीज ऑन सीएनजी फ्यूल इंस्टेड ऑफ बेटा पेट्रोल और डीजल. The taxi charges in the city comprises of beta 6 charges together with the charges for the beta distance covered for a journey of 13 kilometer beta. उन्होंने कहा है कि अगर सबसे पहले बात हो रही है कि मेरे पास जो है 13 किलोमीटर की जर्नी की, तो मेरे पास बेटा वहां पर पहली बात 13 किलोमीटर की हुई. फिर देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया. द चार्जेस पेड, अगर 13 किलोमीटर है तो चार्जेस 129 लगते हैं एंड फॉर द जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर जो चार्जेस जो है वो बेटा हमारे पास लगते हैं दैट इज यहाँ पर बेटा. अगर आपको असाइनमेंट में क्लियर कट कॉस्ट विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं दैट इज 210 ओके रुपीज 210 दैट इज गिवन टू यू. तो बेटा उसने कहा है कि व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32. हमने 32 किलोमीटर के लिए चार्जेस निकाले बेटा. पूरा क्वेश्चन टू पार्ट्स में डिवाइड है ना. एक फिक्स्ड चार्जेस, तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस हो गए मेरे पास दैट इज रुपीज एक्स और बेटा कॉस्ट जो है हमारे पास कॉस्ट पर किलोमीटर दैट इज रुपीज वाई. तो अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास जो है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग पीछे से. रोल नंबर जो है हमारे पास लेटर्स सी लास्ट रोल नंबर ओके विवान. हाँ जी बेटा विवान यू टेल मी बेटा मेरे पास जो है विवान इज नॉट एबल टू जॉइन विद ओके. नेक्स्ट जो है मेरे पास है परीना. परीना अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. परीना अनम्यूट योर सेल्फ. यस मैम. आप मुझे बताइए बेटा अगर yes, ma'am. फिक्स्ड चार्जेस एक्स हैं, कॉस्ट पर किलोमीटर रुपीस वाई है, तो 13 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा जल्दी. 13 प्लस एक्स कैसे बेटा. ये किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और हमने बेटा फिक्स्ड चार्जेस मतलब जब आप टैक्सी हायर करते हो एक्स तो लगना ही लगना है. एक्स तो डिस्टेंस लगना ही लगना है और कॉस्ट पर किलोमीटर अगर 13 किलोमीटर हमने जाना है एक किलोमीटर की कॉस्ट वाई है तो बेटा 13 किलोमीटर की कितनी कॉस्ट होगी. हाँ जी परीना फाइव प्लस थर्टीन नॉट एट ऑल बेटा. भानु अनम्यूट योर सेल. भानु अनम्यूट योर सेल बेटा. हाँ जी बोलिए बेटा. भानु अनम्यूट योर सेल बेटा. हेलो यस मैम. बोलिए बेटा क्या है इक्वेशन बेटा. मैम रिपीट करना एक बार क्वेश्चन. बेटा देखिए अगर 13 किलोमीटर हमने चलना है फिक्स चार्जेस एक्स दिए हैं कॉस्ट पर किलोमीटर वाई दिया है और 13 किलोमीटर चलने पे अगर कॉस्ट 129 लगती है तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी. 129 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13y. वेरी गुड वेरी गुड. जो है एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू 129. नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है रिदम. रिदम अनम्यूट योर सेल बेटा और बताइए नेक्स्ट क्या बनेगी रिदम. जल्दी बेटा इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी हमें. रिदम अनम्यूट योरसेल्फ.
am again saying Ridham Chadda, unmute yourself. Ridham Chadda, unmute yourself, beta. हाँ जी, next मेरे पास है वनीता. वनीता, unmute yourself. Yes, ma'am. बेटा बताइए, second equation क्या बनेगी वनीता? Ma'am, x plus 22y. Yes. Is equal to 310. 210. बट अल्टीमेटली एंड में उसने क्या कहा है कि अगर एक पर्सन 32 किलोमीटर पे जाता है तो बेटा आप बताइए कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम x प्लस 32y की कॉस्ट निकालेंगे. x हमारे पास निकला होगा, y हमारे पास निकला होगा और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ जो है 32 किलोमीटर. ओके जी, विवान एंड दिव्यांश, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्स्टली शो मी योर वीडियो, ओनली देन आई विल आस्क यू. यस दक्ष, दिव्यांश, सॉरी. यस बेटा. हाँ जी, हम एक बार 32 किलोमीटर की बता दो कैसे निकालनी है. ये बता दीजिए, x प्लस 32y, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, वो आपने पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं. फिर किसकी वैल्यू आएगी बेटा कि अगर आपने 32 किलोमीटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट ही लगा रही है ना. ठीक है ना, क्लियर बेटा. चलिए अब मेरे पास जो है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है 7. सॉल्व द पेयर ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. ठीक है, तो अब हमने ग्राफिकली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है. एक बार रिकॉल कर देते हैं, इससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी बेटा. तो मेरे पास जो है जब सॉल्व करेंगे सारे असाइनमेंट क्वेश्चन, अगर आप देखो ना तो एनसीईआरटी के साथ ही डील करते हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनो ताकि आपकी एनसीईआरटी भी साथ में ही कवर हो जाए. ओके बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7th में इक्वेशन जो दी हुई है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटेड द गिवन इक्वेशंस एंड वाई एक्सिस. जो मुझे एरिया बताना है ना बेटा वो वाई एक्सिस के साथ बताना है. सबसे पहले तो मैं इसको ड्रॉ करना ग्राफिकली. मैं बार बार आपको कहती हूँ ग्राफिकली मतलब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, फर्स्ट एक टेबल बनाओगे बेटा. ठीक है, बेस्ट वे क्या होता है मैं आपको बता दूं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब आपने एक्स जीरो पुट किया, ये शो करना है. जब आप प्लस वन में हो जाओगे ना तब आप शो नहीं भी करोगे तो चलेगा. ओके, अब अगली बार वाई जीरो ले लो, मुझे पता है एक्स सिक्स आना है, तो आप पुट एक्स की वैल्यू ही लिखो यहाँ, पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स. जब आपने एक्स सिक्स पुट किया तो सिक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 0 आपके पास. ओके ठीक, क्लियर. अब दूसरे टेबल पे आते हैं हम लोग, टेबल हमें चाहिए, टेबल इधर बना देते हैं, इसकी नीड नहीं है. तो बेटा अब नेक्स्ट हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे दूसरी इक्वेशन का, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. मैं आपको फिर कह रही हूँ मेरे पास जो है एक बार पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करो. जब मैंने x 0 पुट किया, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो मेरे पास y की वैल्यू माइनस 4 आ गई. देखो ध्यान से, x 0 y माइनस 4, ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए आपका. अगली बार रफली देखो, अगर मैं y 0 लूंगी तो x की वैल्यू 6 आएगी ना, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट में x 6 पुट करूंगी ताकि y अपने आप 0 बच जाए मेरे पास.
तो जब मैंने x 6 पुट किया तो 2x मेरे पास हो गए यहाँ पर इंटू 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 ये शो करना बहुत जरूरी है तो y की वैल्यू 0। अब ये दोनों टेबल्स बन गए। अब हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है बेटा। ग्राफिकली में ये मैंने ग्राफ बनाया बेटा यहाँ पर आपके लिए साइड पे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए सारा। अब देखिए जब मैं ग्राफ बना रही हूँ मुझे पता है एक्स की तरफ मुझे मैक्सिमम वैल्यू 6 चाहिए तो बेटा मैं ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ करते करते मैं 0 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और ये 6 और इधर -1 -2 -3 ठीक है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। सबसे पहले गलत नहीं करना x0 y2 x0 पे ये है फिर y की तरफ 2 चलोगे तो ये पॉइंट आएगा। वैसे भी अगर x0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे होता है y0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे होता है। इनको ड्रॉ करना इजी होता है। ये फर्स्ट लाइन आई इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए बेटा। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया ठीक है बेटा। अब जब मैंने ज्वाइन किया मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है तो यहाँ लिखो फर्स्ट यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ एक्स डैश यहाँ वाई नीचे वाई डैश बेटा सब कुछ लिखना है ओके। स्केल मेंशन करना भी जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों के नंबर होते हैं बेटा। अब 0 -4 तो बेटा वाई पे है ना -4 इधर अगला 6 यही ये लीजिए। अब उन्होंने मुझे एरिया कौन सा कैलकुलेट करने को कहा बच्चे गलती करते हैं उन्होंने कहा था वाई एक्सिस के साथ वाई एक्सिस ये और दोनों लाइंस के साथ मतलब ये सारा एरिया आया बेटा ये सारा आपने शेड करना है। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट टू शेड इट शेड हमने कर दिया। अच्छा बाई चांस अगर इसमें हम कहते फाइंड द एरिया ध्यान से क्वेश्चन सुनिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड है ना वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट यही होती है। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं ये बेस है मेरा और ये हाइट है ना अगर मैं एच देखूं बेटा तो ये 6 यूनिट्स है मैंने 6 यूनिट्स लिख दिए। अब जरा बेस में गलती होती है बेस देखो 2 ऊपर है और नीचे वाला पॉइंट जो है मैंने रब कर दिया मेरे पास जो ये 4 था ओके नीचे वाला पॉइंट -4 था हमने यूनिट्स देखने हैं 2 ऊपर 4 नीचे तो टोटल तो 6 यूनिट्स हुए ना। ये हम 9th में भी आपको चीजें बता चुके हैं यूनिट्स तो 6 ही हुए ना बेटा क्योंकि बेस वैसे नेगेटिव थोड़ा हो सकती है हमने यूनिट्स काउंट कर ले वो 6 हुए तो मेरे पास हो गए हैं एरिया क्या हो गया हाफ बेस 6 मे बी 6 18 स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर है मीटर है क्या है हम तो यूनिट्स की बात कर रही तो बोल मैं बार बार कह रही हूँ स्केल जरूर लिख वन बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट बस बात कर क्योंकि हमने एक स्मॉल बॉक्स को जो 10 लाइंस होती है उसको एक बॉक्स मानते है ना तो उसको वन यूनिट लिख ये बात सबको क्लियर होगी और आपको इसको लेबल भी करना है ए बी सी यहाँ लिखोगे ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ऐसा पेपर अटेम्प्ट करो कि कोई गलती निकल ही ना सके मेरा बेटा सबको बात समझ आई एनी डाउट टू एनीवन यू कैन रेज हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन इफ एनी प्रॉब्लम इज सबको क्लियर है 14 स्टूडेंट मींस 39 स्टूडेंट्स आर देयर सबको
सबको 100% क्लियर? ओके दक्षिता ऑन योर वीडियो फर्स्ट जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, यस व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? यस मैम, जो आपने स्केल लिखे वन बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, वहां पे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं आएगा? अगर हम जनरली दोनों तरफ सेम लेते हैं ना, तो ये बोथ द एक्सिस के साथ होता है। अगर आप इधर कुछ और ले रहे हो, इधर कुछ और होती है, तो हम बेटा दोनों का अलग अलग मेंशन करते हैं, ठीक है? और मैं बार बार कहती हूँ, ग्राफ बनाते हुए दोनों तरफ स्केल सेम ही लो, नहीं तो आपको पॉइंट निकालने में मुश्किल होती है। ओके Try to take the same scale on both the. गलत नहीं है, अगर कोई नहीं चाह रहा है आप ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली सेम लेना चाहिए, ठीक है बेटा? Now let us move to now question number next बेटा मेरे पास जो है, that is ninth question from your जो है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, eighth जो हम question कर रहे थे eighth है ना, सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन में उन्होंने शेड करने को कहा था, मैंने कर दिया। एरिया वाला कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही आपको एक्स्ट्रा बताया, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जिसमें एरिया कैलकुलेट करना भी आता है, ठीक है? तो मैंने इसीलिए आपको बताया। चलिए बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर एट, लेट अस रीड दैट क्वेश्चन। हाँ जी, एट में लिखा था ड्रॉ द ग्राफ of the following equation, मेरे पास दी हुई है 2x minus y is equals to 1 और x plus 2y equals to 13, तो उन्होंने कहा find the solution of equation from the graph, पहले तो solution बताना है ना, ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा गया, and shape the triangle region formed by the lines and the y axis, second part तो सही नहीं, पर पहला सोल्यूशन पूछा गया, यानी ये टोटली डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि ग्राफ के साथ है ना 100% जो है बेटा, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं उसमें ग्राफ ऐसे दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, सोल्यूशन था, तो वहां पर पिछले क्वेश्चन में ये 6,0 पे था, तो आपने लिखना था कि जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में ही मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ ना, जो भी पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन थी, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू थी, तो आपने क्या कहना था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन एंड टू इज 6,0, इसके नंबर में बेटा वन नंबर या हाफ नंबर इसके नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए जो है आप इसको लिखोगे। दिव्यांश पहले ऑन करो अपनी वीडियो बेटा। हाँ जी बेटा, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा। मैम जिस इक्वेशन की लाइन बनी है मैम उस पे इक्वेशन मैं इक्वेशन भी लिखनी होती है? नहीं बेटा, अगर आपने नंबर लिख दो, मैं आपको कहती हूँ ऐसे इक्वेशन वन यहाँ इक्वेशन टू, एक ही बात है ना, आपने लाइन लिख दी का नंबर लिख दिया या इक्वेशन लिख दी, वन इज द सेम थिंग। ओके इसमें फिर x 6 और y 0। हां जी बिल्कुल ठीक है, 6,0। चलिए अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 8 था 7 जैसा था, इसलिए मैंने उसी में आपको सारा डिस्कस कर दिया, ठीक है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 9, ठीक है? ग्राफ से हटके लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 9, ठीक है? चलिए बेटा 7x minus 5y minus 4 equal to 0 इज द गिवन इक्वेशन, फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर आर नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो मुझे कहा कि एक और लाइन लिखिए जो इसके साथ इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करती लाइन मींस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में आपको पता है कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होना चाहिए,
ली होना चाहिए, तो क्लियर कट है। अगर आपके पास ए मान लो 7 है, मैंने दूसरी देयरफॉर अदर इक्वेशन मेरे पास जो है, मैंने वहां 7x ही लिखा, यानी 7/7 1 आ गया। अब दूसरे में 1 नहीं आना चाहिए, तो मैंने प्लस, मैंने जो है कुछ भी लिख दो, एनीथिंग, 10y + 5 = 0। क्लियर कट है, क्लियरली a1/a2 7/7 आंसर कितना आया 1, और b1/b2 कितना आया -5/10 -1/। आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ +5y भी लिख सकता था, तो वो कितना बन जाना था -1। 1 - 1 के इक्वल नहीं होता ना, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, बस बात कर। देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइंस, ठीक है जी, हमें उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें है मेरे पास जो है, नेक्स्ट है को इंसिडेंट लाइंस। हाँ जी, नाउ कौन बताएगा मुझे, आर्ची, को इंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? अनम्यूट कीजिए आर्ची। हाँ जी बेटा, आर्ची अनम्यूट कीजिए। हाँ जी आर्ची, अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा, मैंने ऑप्शन दे दिए। यस मैम। हाँ जी बताइए कि कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? मैम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लाइंस कैसी होती है, मैंने आपसे ये पूछा, कंडीशन तो पूछी नहीं, कंडीशन बिल्कुल सही है मैम, जो एक लाइन के ऊपर ही लाइन होती है। वेरी गुड, दैट इज मींस कि वो हमारे पास जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, तो जब भी ये इक्वल आने चाहिए, दैट मींस जो इक्वेशन दी है ना, आप उसी को किसी भी एक मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14x - 10y - 8 = 0। 100% जब आप डिवाइड करोगे तो तीनों ये इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है थर्ड, अगर मैं देखूं मेरे पास आई है लास्ट में उन्होंने कहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन है ना, तो नो सॉल्यूशन में मेरे पास जो है क्या कंडीशन होती है? हार्दिक, हार्दिक अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, हार्दिक अनम्यूट योर सेल्फ, हार्दिक अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। ओके तानिया, यू अनम्यूट योर सेल्फ। मैम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यस, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा नॉट इक्वल टू बन जाएगा, यानी इन दोनों में तो सेम आना चाहिए। अगर इन दोनों में सेम आना चाहिए, मैं मल्टीपल बाय जैसे 2 का ही कर देती हूँ, suppose 14x - 10y, 100% जब मैं करूंगी तो 1/2 आ रहा है, बट यहाँ पर जो थर्ड लिखना है वो क्या करो, एज इट इज सेम लिख दो, हमें क्या, यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इक्वल टू नहीं करूँगा, बस बात खत्म, ठीक है जी। ऐसे ही ये 1 नंबर के क्वेश्चन कोई भी फॉर्म बनती है जिसमें आपसे अदर इक्वेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास जो है, वी वांट फर्स्टली ऑन योर वीडियो ओनली देन शो मी योर फेस वी वांट। यस, हाँ जी बेटा, यस बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? हाँ जी विवान, ये पूछना था जैसे अगर कोलिनियर पॉइंट्स का आया तो सेम इक्वेशन में लिख सकते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स में तो मतलब हुआ कि यहाँ पॉइंट्स की तो बात ही नहीं होती, यहाँ ये होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन है। हाँ जी वही तो, मतलब सेम इक्वेशन नहीं लिख सकते जैसे यही 7x को लिख सकते? नॉट एट ऑल, कोलिनियर पॉइंट्स बोलना विवान गलत चीज है,
लाइंस पेयर ऑफ इक्वेशन मेरे पास जो है जो इक्वेशन दी हुई है टेंथ क्वेश्चन में दैट इज लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड मेरे पास जो है एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू वन हैव मेरे पास जो है उसने पहले में कहा है नो सॉल्यूशन और आपको पता है कि नो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं बेटा ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू नो सॉल्यूशन मतलब क्या हमारे पास वो लाइंस क्या है पैरेलल है तो पैरेलल की यही कंडीशन होती है अब देखिए लैम्डा ओवर वन मैं बार बार कह रही हूँ एक्स नहीं लिखना ये कोफिशिएंट्स होती हैं वन ओवर लैम्डा is equals to not equal to lambda square over 1 okay beta clear to ab beta yahan par kya karoge pehle in dono members ko compare karoge to mere paas lambda square is equal to 1 lambda is plus minus 1 not only 1 nahi likho square hai even power ho to dono le do ab jab hum yahan karenge चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इसको ले लो जिसको मर्जी ले लो ठीक है बेटा तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ तो लैम्डा क्यूब इज नॉट इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू बीच में लिखना है तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू वन बट यहाँ कह रहा था कि लैम्डा वन दोनों हो सकते हैं बट दोनों में से हमने क्या कंक्लूड किया क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू यूज हो सकती थी ना तो लैम्डा की वैल्यू माइनस वन होगी बट लैम्डा जो है वो वन के इक्वल नहीं होगा ये एंड में लिखना बहुत जरूरी है बेटा ओके जी क्लियर बेटा कोई डाउट तो नहीं बेटा अच्छा अगर यही क्वेश्चन आ जाता इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ठीक है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते अगर इसी क्वेश्चन को मैं कह देती कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू कैलकुलेट फॉर इनफिनिट तब यहाँ इक्वल टू आपने यहाँ इक्वल टू तब आंसर चेंज हो जाना इन दोनों से कॉमन कौन सा है लैम्डा वन लैम्डा इज इक्वल टू आंसर लैम्डा इज इक्वल टू वन आएगा प्लस माइनस में से नेगेटिव कॉमन नहीं है तो वो नहीं होगा देखो छोटी सी बात के कारण सारा क्वेश्चन चेंज होगा ठीक है अगर इसी का नेक्स्ट पार्ट मेरे पास होता यूनिक यूनिक में ये चीज तो आती ही है ना नहीं आएगी तो यहाँ तो तब दोनों वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे लैम्डा स्क्वायर क्योंकि कोई रिजेक्शन का कारण ही नहीं इज इट क्लियर टू एवरीवन बात सबको समझ आई देखो जैसे ही नहीं जो है यहाँ नॉट इक्वल टू यूनिक में आता है और नॉट इक्वल टू ही चलेगा आपका सब ठीक है दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो सकती वन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ठीक है अगर आप इक्वल टू डाल देते जैसे मैंने अभी पहले डाल के रखा था तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है क्लियर बेटा समझ आ गई सबको कोई डाउट तो नहीं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवाने लगी हूँ बेटा आप लोगों को तो क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास जो है वो क्या दिया हुआ है 2x जो है प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई equals to 19 then find the value of 5 by minus 2x and
वाई बाय एक्स माइनस टू, इनकी वैल्यूज निकालो। कोई मुश्किल है नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्टली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब बेटा बस यहाँ पुट कर देंगे और कुछ भी, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है जो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में चेंज लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ब्रेन जो है शार्प किया जाए। ओके, क्लियर टू एवरीवन?